जिला अध्यक्ष आलोक साक्य आज कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे हैं, उन्हीं से हम जान लेते हैं किस वजह से आए हैं, क्या कारण है जो आपको कलेक्ट्रेट पे आए हैं। आज श्रीमती डिंपल यादव जी का हम नामांकन पत्र लेने आए हैं चार सेट में, वो नामांकन पत्र ले लिया है, अब उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे जाके, और आने वाले समय में आप सबके सामने होगा। ये समाजवादियों का गढ़ है और समाजवादी पार्टी ने जनपद मैनपुरी में छोटी छोटी विकास के अलावा और किसी ने कोई काम नहीं किया। सड़क हो, पुल हो, पुलिया हो, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, इन सारे लोगों को अगर कोई काम किया, किसी पार्टी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी के श्रद्धेय नेताजी ने, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय तेज प्रताप जी एमपी ग्रुप में उन्होंने काम किया। अध्यक्ष जी, मुद्दों की बात कर लेते हैं, तो इस बार उपचुनाव में पार्टी किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, और पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब महिला कोई लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जनपद मैनपुरी से उतारा है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? समाजवादियों का हमेशा मुद्दा विकास रहा है, नौजवानों को कैसे आगे बढ़े, किसानों की समस्या, यही सारी चीजें लेकर, मुद्दे लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, और जनता ने मूड बना लिया है। डिंपल यादव जी के आने से आम जनमानस ने मूड बना लिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी को, पहले भी देते आए हैं, हर वर्ग का समर्थन रहा है, इस बार भी पहले से ज्यादा इस जनपद मैनपुरी के जनता जनादर के चेहरे पर खुशी है, और माननीय डिंपल यादव जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। कितने सेटों में खरीदा आपने? चार सेटों में नामांकन पत्र खरीदा। कोई तिथि है मैडम, कब तक ये? अभी तो नहीं, आपको बता देंगे, अभी आज बात करके आजकल मैं बता दूँ। भाजपा उम्मीदवार घोषित नहीं कर पा रही है, क्या वजह? वो आप उन्हीं से पूछना, क्या नहीं कर पा रही, क्या कारण है, वो उनकी उनका दर है, वो ही जाने। तमाम सवालों के जवाब उन्होंने, जिला अध्यक्ष ने जो दिए हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब की बार जो हमारी पार्टी मुलायम की सहानुभूति और जो उन्होंने मैनपुरी के लिए किया है और लगातार जनता के हित में काम किए हैं, उन्हीं को मुद्दों को लेकर गई है और हम ही विजयी होंगे। भारत समाचार के लिए प्रवीण।